बोलो भारत माता की, भारत माता की। श्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी नो खूब खूब स्वागत करिए। अब परिणामों
छेल्ला 10 कानी अंदर गुजरात ने विकास नी जे ऊंचाईओ अपावी छे, समाज ना बधाज वर्गो ने साथे लईने बधाज क्षेत्र नो जे रीते उन्नत गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान फळदू जी, भाई और बहनों, गुजरात में आज चुनाव का एक बहुत बड़ा दौर समाप्त हुआ। ऐसा देख रहा हूं कि जहां पर गुजरात में मुसलमान मित्रों ने सेंचुरी क्रॉस कर दी है, 100 से ज्यादा मेरे मुस्लिम उम्मीदवार इस चुनाव में विजयी हुए, यानी इतने एक साथ सेंचुरी लगाने का काम, यानी ये बात साफ करता है कि देश के अंदर ईसाई और मुसलमानों ने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट गुजरात में दे रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति से वो परेशान हो चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति ने उनका भला नहीं किया है और आज विकास की राजनीति पे उनकी आशा बंधी है और उस आशा का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक मुस्लिम और उससे भी ज्यादा मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के इन उम्मीदवारों को विजयी बनाना और भारी बहुमत से। कुछ स्थान तो ऐसे थे कि जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी का बिन मुस्लिम उम्मीदवार भी एक आध दो जगह पे जीत के आ गया। ये साफ बताता है कि मुसलमान मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को स्वीकार किया है, उन्हें भी विकास में विश्वास है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश की राजनीति के अंदर आने वाले दिनों में देखने में मिलेगा। गरीब और मैं आज भी देख रहा हूं 30-40 साल के बाद भी उन्हीं पुरानी घिसी पीटी कैसेटे बजाने वाले उन पॉलिटिकल पंडितों से मेरा आग्रह है कि इस नए रूप से देखिए, आप बदलिए। अमेरिका के अंदर बैठा हुआ फोर्ब्स जैसा बदल चुका है, जो फोर्ब्स जब भी दुनिया में एनालिसिस करता था तो डेवलपिंग कंट्रीज की गरीबी को दिखाता था, उसकी चर्चा करता था। हिंदुस्तान की कभी चर्चा करता था तो चाइल्ड लेबर की चर्चा करता था, हिंदुस्तान की कभी चर्चा करता था तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन की चर्चा करता था। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका की इतनी बड़ी सर्वमान्य इंस्टीट्यूशन जिसके एक एक शब्द को पूरे दुनिया में बड़ी ताकत के साथ माना जाता है, उस फोर्ब्स ने अभी अभी अपना सर्वे दिया है, उस सर्वे में उसने गुजरात की भरपूर तारीफ की है और उसने साफ कहा है कि गुजरात जिस ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस रंग रूप के साथ बढ़ रहा है, वो सिंगापुर और मलेशिया की स्पर्धा में आके खड़ा हो गया है, एक डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में आके खड़ा हो गया है। वो अहमदाबाद शहर की चर्चा करते हुए फोर्ब्स अपना रिपोर्ट में कहता है कि अहमदाबाद के विषय में पुरानी सोच बदलनी पड़ेगी, अहमदाबाद 40-50 भिन्न भिन्न पैरामीटर्स में आज दुनिया के सामने शिरमौर हो रहा है। अगर अमरीका में बैठा हुआ फोर्ब्स अपनी पुरानी घिसी पिटी सोच को बदल सकता है सच्चाई की धरा पर, तो देश का भविष्य इस बात में है कि मेरे देश के पॉलिटिकल पंडित, मेरे देश के विकास की राजनीति की तरफ बड़ी बारीकाई से नजर करने वाले मित्र, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आइए गुजरात के विशेष दशक का अध्ययन कीजिए, क्या कारण है इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। मुझे एक पत्रकार मिले थे